अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ फिर से GTA 5। तो आपने देख लिया होगा कि सभी गाड़ियाँ लाइन में ठहरी हुई हैं और सारी सुपर कार है। इनमें से इनका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन पिछली जो गाड़ी थी उनका सबका नाम आता है। तो ये सारी गाड़ियाँ मैं जम करने वाला हूँ, ठीक है ना। कार्गो प्लेन्स जो हैं उनसे, और तकरीबन 10-12 मैंने वो खड़े किए हैं, उनके ऊपर से हम छलांग लगाएंगे इनकी, ठीक है ना। तो देखेंगे कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट जाती है, सबसे आगे जाती है, और कौन सी गाड़ी पास होगी और कौन सी फेल। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। अभी इसको लेके जाते हैं वो, और आप सामने देख सकते हैं कि वो मैंने एक रैंप से बनाया हुआ है। अब ये फुल स्पीड में जा चुकी है और ये काफ़ी लगता है आगे तक जाएगी, और ये नीचे 10-12 ठहरी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लैंडिंग की है यार इसने, तो ये तो पास हो चुकी है। अब इसको इधर वापस आके इधर ही ठहरा देते हैं, और दूसरी गाड़ी की बारी आ गई। अब इसको लेके जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी मैं दूसरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सुपरकार है। इसके बाद जो है इसके बाद फरारी FK है, उसके बाद लैम्बोर्गिनी सियान है, लैम्बोर्गिनी टर्जो है, उसके बाद मैकलेरन PI, ऐसे मतलब जो गाड़ियाँ हैं सुपर सुपर, वो भी एंड में आखिर में मैं जंप करूँगा और उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि उनमें से कौन सी जबरदस्त खड़ी है। तो इसका भी जंप हो चुका है, दोनों पास हो चुकी हैं। तो अब ये दूसरी एक मैकलेरन की किस्म है, लेकिन हल्के में है, तो इसको ट्राई करते हैं। ये भी फुल स्पीड में लेके जा रहा हूँ, और ये भी लगता है काफ़ी आगे तक, दूर तक जाएगी। तो ये भी तकरीबन बहुत ज़बरदस्त आगे आ चुकी है, ये भी पास हो चुकी है। लैंडिंग थोड़ी बुरी हो गई है, पर मगर पास हो चुकी है। तो इसको भी यहाँ पर ठहरा दिया है। अब अगली गाड़ी ये भी हो चुकी है, अब इसकी बारी है, अब इसको ट्राई करते हैं। इसके बाद जो दो एक दो एक दो, एक दो गाड़ी के बाद जो है इसकी आ जाएगी सुपर कार, आ जाएगी, फिर हम सुपर कार को भी ट्राई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता पास हो, लेकिन चलो देख लेते हैं। हाँ, ये हो चुकी है फेल बिल्कुल एंड पे आके। तो ये फ़िलहाल अभी तक तो एक गाड़ी जो है फेल हो चुकी है, तो इसको उधर ही जा कर ठहराते हैं। अब इसकी बारी है, अब तक की एक गाड़ी फेल हो चुकी है और अब दूसरी भी बारी है। तो इसको काफ़ी स्पीड के साथ लेके जा रहा हूँ, ये लगता है पास होगी और काफ़ी दूर तक जाएगी। तो इसने यहाँ से जंप किया और लैंडिंग भी अच्छी लग रही है इसकी। तो ये भाई हाँ कर ही लिया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो ये भी पास हो चुकी है, अब अगली गाड़ी को लाते हैं, अगली कौन सी है। अभी इसके बाद जो गाड़ी होगी वो होगी FK फरारी की है, ठीक है। तो ये फरारी FK है, काफ़ी स्पीड है इसकी भी, बहुत ज़बरदस्त कार है। अब इसको ट्राई करते हैं। तो ये आप इसकी स्पीड चेक करवा ली, ये ज़बरदस्त स्पीड चेक करो और इसकी कलाबाजियाँ देखो। मुझे नहीं लगता लैंडिंग ज़बरदस्त हो, क्योंकि हाँ बिल्कुल है। तो सबसे अब तक की सबसे बेस्ट जो जंप लगा है वो इसकी गाड़ी का है। तो अभी एक और ट्राई करते हैं, अभी इसके बाद ये वाली जो है इसको ट्राई करते हैं। अभी ये भी एक सुपर कार है, इसके बाद जेंटोरो ठहरी हुई है, जेंटोरो उसको ट्राई करेंगे। तो ये भी काफ़ी स्पीड लग रही है, मगर नहीं ये भी आसानी से पार कर जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बस सुपर कार टेस्टिंग हो रही है, तो कौन सी सुपर कार सबसे बेस्ट है। अब ये एक और जेंटोरो की बारी आ चुकी है, इसको आप ट्राई करते हैं। स्पीड काफ़ी इसकी भी अच्छी है, लेकिन इधर भी चेक करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये शायद पास हो, मगर चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं ये पार हो जाएगी शायद, नहीं ये रह चुकी है 200,
ये गाड़ी भी रह चुकी है यार। अब तक अगर मेरा भाई कोई वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचा है तो उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। अब ये जो गाड़ी आई है लैम्बर्गिनी विनेनो, इसका नाम लैम्बर्गिनी विनेनो। इसकी भाई बहुत स्पीड है यार, ये 100% गारंटी के साथ ये बाहर गिरेगी। तो ये देखो इसकी, अब तक की मैं तो कहता हूँ ये फरारी एफ के से, हाँ जितनी फरारी एफ के ने लगाई थी बिल्कुल उतनी लगाई है, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं लगाई। तो अभी आ गया मैकलेरन, एक और है स्पोर्ट्स कार है ये, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये जाती है कि नहीं। इसकी स्पीड से लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये पार कर पाए क्योंकि स्पीड नहीं है इतनी। तो देखते हैं, अब तक की दो गाड़ियां फेल हो चुकी हैं और ये भी तीसरी भी है, ये में से सबसे बुरे तरीके से फेल होने वाली गाड़ियों में से है। इसने तो बिल्कुल ही नाक कटवा दिया यार। अब आ गई हमारी लैम्बर्गिनी टेर्रो और इसकी स्पीड यार बहुत ज़्यादा है, इसको फुल स्पीड भी करो तो ये फंस जाती है। ये जो मैंने रैम बनाया है ना इस पे, तो ये आप देख सकते हो इसने सबको मतलब क्रॉस करती हुई बहुत आगे आ चुकी है और इसकी स्पीड सारी गाड़ियों से ज़्यादा है। जितनी मैंने अब तक गाड़ियाँ जो मेरे पास GT5 में स्पॉन की हैं सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अब आ चुकी है बारी जी लैम्बर्गिनी सियान, लैम्बर्गिनी सियान। अब इसकी स्पीड चेक करते हैं, वैसे तो इसकी स्पीड बहुत है लेकिन यहाँ पर पता चलेगा कि क्या हिसाब है। तो अब हम स्पीड पे लेके जा रहे हैं और शायद ही पार नहीं कर लेगी, क्योंकि कर लेगी और तो नहीं, ये भी फेल हो चुकी है यार, हालांकि इसको फेल नहीं होना चाहिए था। तो ये गाड़ी भी फेल हो चुकी है, लैम्बर्गिनी सियान भी है। इसके बाद अब जो आखिरी लास्ट गाड़ी बची है वो है फरारी मैकलेरन PI। तो इसको आप ट्राई करने जा रहे हैं मैकलेरन को, तो ये क्या करती है दोस्तों, अब इसको आपने देखना है कि यार कमेंट्री के साथ गुजारा करना है आपने, ठीक है। तो यार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार, गुजारिश है आपसे एक छोटी सी बस यही। तो ये भी हो चुकी है फेल काफ़ी अच्छी तरीके से। तो सबसे इनमें से बेस्ट जो कार मेरे हिसाब से ली है वो ये एक FK फरारी है, फरारी FK लैम्बर्गिनी मिनेनो। उसके बाद एक दो और थी, ये लैम्बर्गिनी टेर्जो, ये सबसे बेस्ट रही है इसलिए इसको हम विनर कहते हैं, ठीक है इसको ये विनर है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट्री यार सीधी पूछो तो गुजारे की होगी, तो बस आपने गुजारा करना है काफ़ी, मैं इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी मैंने कहा वीडियो को चलो आपको बताते चलो कि इसमें हो क्या रहा है, तो मैंने जिस हिसाब से वीडियो बनाई है तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।